हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई, जिसमें आज हमारे पास है एनर्जी मास रिलेशन। एनर्जी मास रिलेशन पढ़ेंगे, इसके बाद देखेंगे मास डिफेक्ट, फिर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो पहले एनर्जी मास रिलेशन। आइंस्टीन एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेके आए फिजिक्स में। आइंस्टीन का कहना था कि जो मैटर आप अपने आसपास देख रहे हैं, जो मास आप देख रहे हैं, वो दरअसल एनर्जी का दूसरा फॉर्म है। मास से एनर्जी बन सकती है और एनर्जी से मास। ये कहें, जब एम मास डिसअपियर होता है तो एनर्जी बनती है, और एनर्जी से हम मास बना सकते हैं। दोनों में क्या रिलेशन है? तो आइंस्टीन का कहना था ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मतलब एम मास जब डिसअपियर होगा, एम मास जब डिसअपियर होगा तो ई एनर्जी रिलीज होगी, एंड ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप सब जानते हैं इसको। सीधी सीधी बात, एनर्जी से मास बन सकता है और मास से एनर्जी। जब एम मास डिसअपियर होगा तो इतनी एनर्जी बनेगी। दिस इज एनर्जी मास रिलेशन बाय अल्बर्ट आइंस्टीन। बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है मास डिफेक्ट। ये एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मास डिफेक्ट। भाई ये देखा गया कि अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आप अलग अलग लो, जैसे हमारे पास दो न्यूट्रॉन हैं, दो प्रोटॉन हैं, और मैं इनका मास लगभग 1 kg लेता हूं, ठीक। ऐसा समझिए कि इनका मास है 1 kg, होता नहीं है इतना। ऐसा मत समझना कि प्रोटॉन 1 kg का होता है, नहीं, मैं ले रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। ये सब अलग अलग हैं, अभी प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, सबका मास लगभग 1 kg है सपोज, ठीक। ये कंबाइन होकर बनाते हैं न्यूक्लियस। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस बनता है। अभी न्यूक्लियस नहीं है, अभी ये सब अलग अलग है, और ये कंबाइन होके सपोज बना रहे हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब सब ये कंबाइन हो गए, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। अब मुझे बताइए न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए? पिक्चर समझ रहे हैं? पिक्चर ये है कि भाई अभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग हैं, सबका मास लगभग 1 kg ले लो। समझने के लिए मैं 1 kg दे रहा हूं, ठीक है। इन्होंने कंबाइन होके बनाया न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए? तो इसमें दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, सबका मास लगभग 1 kg है, तो न्यूक्लियस का मास होना चाहिए सर 4 kg। कितना होना चाहिए? 4 kg, ठीक है। लेकिन हम रियलिटी में क्या देखते हैं कि न्यूक्लियस का मास इनसे कम होता है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के मास से कम होता है न्यूक्लियस का मास। इसका मास 4 kg नहीं आता है, आना तो 4 चाहिए, लेकिन ये आता है इनसे कम। तो सपोज आ गया 3.9 kg, आना कितना चाहिए था 4 kg, आया कितना रियलिटी में? यही होता है, न्यूक्लियस का मास इनसे कम आता है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के मास के सम से कम आता है न्यूक्लियस का मास। 4 kg आना चाहिए था, आया 3.9 kg। मास कम हो जाता है जब न्यूक्लियस बनता है, जब न्यूक्लियस बनता है तो मास कम हो जाता है। और ये जो डिफरेंस आया मास का, 4 kg इनका है और न्यूक्लियस का है 3.9 kg, इस डिफरेंस को कहते हैं मास डिफेक्ट। तो कितने का डिफरेंस आया? ये 4 kg और ये 3.9 kg, डिफरेंस आ गया 0.1 kg का। तो मास डिफेक्ट हो गया 0.1 kg। ये मत समझना कि प्रोटॉन 1 kg का होता है, न्यूट्रॉन 1 kg का होता है, नहीं, मैंने समझाने के लिए दिया। तो समझ गए, एक बार फिर से, जब न्यूक्लियस बनता है तो न्यूक्लियस का मास कम हो जाता है, दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। और ये किसके इक्वल होता है? डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। समझ गए? चलिए लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, लिखते हैं मास डिफेक्ट की। ऐसा होता है रियलिटी में। तो क्या है मास डिफेक्ट? मास डिफेक्ट इज डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियस, डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक। न्यूक्लियस का मास कम हो जाता है, जब न्यूक्लियस बनता है तो मास कम हो जाता है, दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, एंड इट इज इक्वल टू डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब इसको लिखते हैं, हमारे पास कोई एलिमेंट है ZX, ऐसे कोई एलिमेंट है हमारे पास, ठीक। तो बताइए मास डिफेक्ट कितना होगा इसके लिए? तो डेल एम से डिनोट करते हैं मास डिफेक्ट को, डेल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसमें मास डिफेक्ट किसके इक्वल होगा? देखते हैं मास डिफेक्ट किसके इक्वल होगा, ध्यान देना, फॉर्मूला बनेगा, मास डिफेक्ट का फॉर्मूला बनेगा।
इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? तो जो एटॉमिक नंबर है जेड वो बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है जेड। सपोज एक प्रोटॉन का मास है एमपी, एक प्रोटॉन का मास है एमपी, तो जेड प्रोटॉन्स है उनका मास कितना हो जाएगा जेड एमपी। इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं? न्यूट्रॉन्स हैं इसमें ए माइनस जेड, इसमें न्यूट्रॉन्स हैं। एक न्यूट्रॉन का मास है सपोज एम एन, तो ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स का मास कितना हो जाएगा ए माइनस जेड एम एन। समझ गए? एक बार फिर से, इसमें जेड प्रोटॉन्स है, एक प्रोटॉन का मास है एमपी, तो जेड प्रोटॉन्स का मास कितना होगा जेड एमपी। इसमें ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स है, तो ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स का मास कितना हो जाएगा ए माइनस जेड एम एन, एम एन सिंगल न्यूट्रॉन का मास है। तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनका टोटल मास कितना हो गया? उनका टोटल मास हो गया जेड एम पी, दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन्स, प्लस ए माइनस जेड एम एन, दिस इज मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये ज्यादा होता है और न्यूक्लियस का मास कम होता है, ये ज्यादा है और न्यूक्लियस का मास कम है। सपोज न्यूक्लियस का मास है एम, इसके न्यूक्लियस का मास है एम, ठीक। तो मास डिफेक्ट किसके इक्वल हो गया? मास डिफेक्ट हो गया डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मास हो गया, ये हो गया न्यूक्लियस का मास, ठीक। जो भी आया वो है मास डिफेक्ट, जो ये डिफरेंस आया, दिस डिफरेंस इज मास डिफेक्ट। समझ गए ना? ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप मास डिफेक्ट निकाल सकते हैं। एम क्या है? एम लिख लेता हूं मैं यहां पर, एम इज मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक। कोई न्यूक्लियस है उसका मास, वो न्यूक्लियस जिसका मास नंबर ए है, एटॉमिक नंबर जेड है, उसका मास है एम, ठीक। हो गया मास डिफेक्ट, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े, ये मास गया कहां? जब न्यूक्लियस बना तो मास कम हो जाता है, ये मास गया किधर, कहां गया ये मास? ये हमने समझाया आइंस्टीन के एनर्जी मास रिलेशन से। अगर मास कम हुआ है, मैंने यहां पे बताया अगर मास डिसअपीयर होता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, तो यहां पे जब न्यूक्लियस बना तो मास कम हो गया, न्यूक्लियस बना तो मास कम हो गया, मास डिसअपीयर हो गया तो मतलब एनर्जी यहां पे रिलीज हुई होगी। मास डिसअपीयर हो गया ना, तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, ठीक। तो जब न्यूक्लियस बना एनर्जी रिलीज होती है, समझो न्यूक्लियस बना मास कम हुआ मतलब एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को कहते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब उसका कंसेप्ट समझते हैं, तो लिखिए अब न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, इसमें अब आएगा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ये क्या है इसको समझेंगे। ये है इंटरेस्टिंग न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी तो और भी इंटरेस्टिंग है, इसको समझते रहिए, रटना नहीं है, समझना है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। देखते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, देखो मैंने अभी बताया जब न्यूक्लियस बनता है तो मास कम हो जाता है, मास कम हो गया, मास डिसअपीयर हो गया मतलब एनर्जी रिलीज हो गई, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है न्यूक्लियस के बनते टाइम उसे कहते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब समझना, ठीक है, इसको ईबी से डिनोट करते हैं, ईबी ईबी, ठीक। अब समझिए, ये हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन थे, जैसा मैंने अभी बताया, कोई भी न्यूक्लियस ले लिया जिसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है, इन्होंने बनाया ऐसे न्यूक्लियस, इन्होंने न्यूक्लियस बनाया, ठीक। तो एनर्जी रिलीज हुई, सपोज ई एनर्जी रिलीज हुई, न्यूक्लियस जब बना तो ई एनर्जी रिलीज हुई। अब समझते रहना, यहां से लिंक करते रहना, जब न्यूक्लियस बना मास कम हुआ मतलब ई एनर्जी रिलीज हुई, सही है, ठीक। इस एनर्जी को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, इसको डिनोट करते हैं ईबी से, किससे? ईबी से। तो मैं इसको भी ईबी ही लिख लेता हूं, ठीक। इतनी एनर्जी रिलीज हुई जब न्यूक्लियस बना। अब देखो अगर हमें न्यूक्लियस को सेपरेट करना है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, मतलब न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन को अलग करना है, इतना अलग करना है कि एक दूसरे का इंटरेक्शन ना रहे, ठीक। फिर से हमें न्यूक्लियस को सेपरेट करना है उसके न्यूक्लियॉन्स में जैसा पहले था, मतलब जब वो न्यूक्लियस नहीं था, अलग अलग करना है सबको, अलग अलग करना है, अब तो न्यूक्लियस बन गया ना, हमें सबको अलग अलग करना है। अगर हमें इनको अलग अलग करना है तो हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, भाई न्यूक्लियस बन गया है, न्यूक्लियस बन गया है, न्यूक्लियस बन गया है, उसमें न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन है, मैं कोई भी न्यूक्लियस ले रहा हूं, ठीक। न्यूट्रॉन प्रोटॉन अलग हो सकते हैं, किसी में प्रोटॉन सिक्स न्यूट्रॉन ऐसे, ठीक। मैंने एक ऐसा लिया जिसमें दो न्यूट्रॉन दो प्रोटॉन, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि न्यूक्लियस से अगर आपको न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन को अलग अलग करना है, इनको सेपरेट करना है, तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी?
आपको एनर्जी देनी पड़ेगी बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल। समझ गए दोनों चीज। पहली बात जब न्यूक्लियस बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है जिसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब अगर आपको इसको अलग करना है, न्यूक्लियस को सेपरेट करना है उसके न्यूक्लियॉन्स में, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? ई बी। इस पर ई बी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये सेपरेट हो जाएगा अपने न्यूक्लियॉन्स में। ठीक हो गया, इतनी बात भी समझ गए। अब समझिए, इस न्यूक्लियस पे इतनी एनर्जी देने पे ये अपने न्यूक्लियॉन्स में सेपरेट हो गया, मतलब ये कितनी एनर्जी से बंधा हुआ है, ये जो न्यूक्लियस है ये कितनी एनर्जी से बाउंड हुआ है, मतलब इसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं ये कितनी एनर्जी से बंधे हुए हैं, बाइंडिंग एनर्जी से। क्योंकि ये एनर्जी न्यूक्लियॉन्स को बाउंड करके रखती है तो इसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। नहीं आया समझ में? एक बार फिर से, यहां जो न्यूक्लियॉन्स हैं ये बंध के रहते हैं ऐसे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक, बंध के रहते हैं ऐसे अंदर रहते हैं। अगर हम इसको ई बी एनर्जी दे दें तो ये अलग अलग हो जाएंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे, मतलब ये जो एनर्जी है ये इनको बाउंड करके रख रही है। क्योंकि ये इतनी एनर्जी न्यूक्लियॉन्स को बाउंड करके रख रही है, एक साथ बांध के रख रही है, इन न्यूक्लियॉन्स को एक साथ बांध के रख रही है इतनी एनर्जी, तो इसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग जो बाइंड करके रख रही है, तो इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं पहले। डेफिनेशन क्या है? इट इज द एनर्जी विद विच न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड। इट इज द एनर्जी विद विच न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड। न्यूक्लियॉन्स पता है किसे कहते हैं? मैंने इससे पहले बताया था, इससे पहले लेक्चर में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को एक साथ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। इट इज द एनर्जी विद विच न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड इन द न्यूक्लियस। फिर से फील करिए इसको। पहले न्यूट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग थे, जब न्यूक्लियस बना मास कम हुआ, मास डिसअपीयर हुआ, मतलब एनर्जी बनी, एनर्जी रिलीज हुई जिसे कहा बाइंडिंग एनर्जी। ठीक, अगर हम इस न्यूक्लियस को इतनी ही एनर्जी दें बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल, तो ये सेपरेट हो जाएगा अपने न्यूक्लियॉन्स में, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इतनी एनर्जी न्यूक्लियॉन्स को एक साथ बांध के रख रही है, न्यूक्लियॉन्स को एक साथ बांध के रख रही है इतनी एनर्जी। ठीक, अगर हम न्यूक्लियस को इतनी एनर्जी दे दें तो वो सेपरेट हो जाएगा अपने न्यूक्लियॉन्स में, इसका मतलब ये एनर्जी इस न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रख रही है, क्योंकि ये न्यूक्लियॉन्स को बांध के रख रही है इतनी एनर्जी, तो इसको बोला बाइंडिंग एनर्जी। तो कैसे डिफाइन किया? इट इज एनर्जी विद विच न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड इन द न्यूक्लियस। ठीक है, इसके आगे हम और लिख लेते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। ई बी है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, या सिंपल इसको बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, ई बी, दिस इज बी, तो उल्टा पढ़ लो, बी ई बाइंडिंग एनर्जी। ठीक, ई बी मतलब बाइंडिंग एनर्जी। ई बी इज रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस बनता है तो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है, बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल एनर्जी रिलीज होती है। ई बी इज रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, इसको ऐसा लिख लो। ठीक है, इसके आगे हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर ई बी एनर्जी दे दो न्यूक्लियस को तो वो सेपरेट हो जाता है अपने न्यूक्लियॉन्स में। इसको भी लिख लेते हैं टू सेपरेट ए न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स या इनटू इट्स न्यूक्लियॉन्स, ई बी इज रिक्वायर्ड। तो समझ गए बाइंडिंग एनर्जी को। अब मैं फाइनल टच देता हूं एक बार फिर से, मैं इसको बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि ये दिमाग में छप जाए आपके। तो एक बार फिर से, जब न्यूक्लियस बनता है तो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है। हमें न्यूक्लियस को अलग अलग करने के लिए अपने न्यूक्लियॉन्स में, न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए न्यूक्लियॉन्स में हमें बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक, मतलब ये एनर्जी न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रख रही है, हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बाइंड करके रख रही है तो इसको बोला न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। इसको किससे डिनोट किया जाता है? ई बी से। तो इट इज एनर्जी विद विच न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड इन द न्यूक्लियस। ई बी इज रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस टू सेपरेट ए न्यूक्लियस इन टू इट्स न्यूक्लियॉन्स, ई बी इज रिक्वायर्ड। अब मुझे बताइए, जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी क्या वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा? यस, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब हमें उस न्यूक्लियस को अलग अलग करने के लिए, न्यूक्लियॉन्स में सेपरेट करने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। भाई दो न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियस ए
न्यूक्लियस बी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी है सपोज 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी बाइंडिंग एनर्जी है सपोज 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको, इस न्यूक्लियस को न्यूक्लियंस में सेपरेट करने के लिए, इसका मतलब हमें 5 MeV एनर्जी देनी पड़ेगी और इस न्यूक्लियस को न्यूक्लियंस में सेपरेट करने के लिए हमें 50 MeV एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मुझे बताइए ज्यादा स्टेबल कौन है? वो ज्यादा स्टेबल है जिसमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, तो ये न्यूक्लियस बी ज्यादा स्टेबल है। समझ गए, ये तो 5 MeV में ही सेपरेट हो गया अपने न्यूक्लियंस में। इसको न्यूक्लियंस में सेपरेट करने के लिए, इस न्यूक्लियस को न्यूक्लियंस में सेपरेट करने के लिए हमें 50 एनर्जी देनी पड़ रही है, 50 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो हम ये कह सकते हैं जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है वो न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक, क्योंकि उसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है उसको ब्रेक करने के लिए, न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए। चलिए लिखते हैं इसको, इसके नीचे लिख लेते हैं, इसके आगे लिख लेना, मतलब इसके नीचे लिख लेना, मैं यहां पे लिख रहा हूं, मोर बाइंडिंग एनर्जी मींस मोर स्टेबल द न्यूक्लियस, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। सही, ये भी क्लियर हुआ, तो बाइंडिंग एनर्जी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी किसके इक्वल होगा, आप फॉर्मूला बना लेते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी आया कहां से, ये एनर्जी रिलीज हुई है जब न्यूक्लियस बनता है, मास कम हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो मास डिफेक्ट से मिली, तो हम लिख सकते हैं EB बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, देखो इतना मास डिसअपीयर हुआ, फिर से समझो, जब न्यूक्लियस बना इतना मास गायब हो गया, डिसअपीयर हो गया, डेल एम, तो इतने मास के गायब होने से कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, तो E इक्वल टू MC स्क्वायर अप्लाई कर दो, तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी। समझ में नहीं आया, मैंने बताया स्टार्टिंग में एनर्जी मास लेसन आइंस्टीन का कि जब एम मास डिसअपीयर होता है इतनी एनर्जी रिलीज होती है, जब न्यूक्लियस बनता है डेल एम मास डिसअपीयर हो गया, कम हो गया, जिसे मास डिफेक्ट कहते हैं, तो एनर्जी कितनी रिलीज हुई न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में, डेल एम सी स्क्वायर, ठीक, एम सी स्क्वायर वही, तो डेल एम सी स्क्वायर, समझ गए, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, खैर इस समय ये डिलीट कर दिया गया, इसका एक कर्व होता था, लेकिन लिखते हैं, ये हो गया ना, इतना क्लियर हो गया, चलो यहीं लिख लेता हूं। लिखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, एक और इंपॉर्टेंट हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, EBN से इसको डिनोट करते हैं, यह है बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ठीक, एक कर्व आता है इसका, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर, ये नहीं है इस समय, तो शॉर्ट में बता रहा हूं इसको, ये नहीं है, बाइंड EBN है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और यहां पे मास नंबर, ये नहीं है इस समय के लिए, डिलीट हो गया है, लेकिन फिर भी देख लो एक बार फिर से, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी वो न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, मोर EB मोर स्टेबल द न्यूक्लियस, सही है, तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी ज्यादा होगा, तो सीधी सीधी बात, जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये मास नंबर आ गया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जिस न्यूक्लियस की ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेज मास नंबर कर्व कुछ ऐसे आता है, मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि इस टाइम पे डिलीट हो गया है, ऐसे यहां लाइट न्यूक्लियाई हो गए जिसका मास नंबर कम है, जैसे हाइड्रोजन हीलियम, ये लाइट न्यूक्लियाई हो गए, और इधर हैवी न्यूक्लियस हो गए, इधर हो गए आपके हैवी न्यूक्लियस जिसका मास नंबर ज्यादा है, जैसे यूरेनियम, देखो मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि नहीं है इस टाइम पे, फिर भी देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर कर्व है, जिसका मास नंबर कम है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है, मास नंबर कम मतलब लाइट न्यूक्लियाई हल्के, जैसे हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है, फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ता है मास नंबर के साथ, फिर कम हो जाता है, तो जो हैवी न्यूक्लियाई हैं जिसका मास नंबर ज्यादा है, जैसे यूरेनियम, तो जो हैवी न्यूक्लियाई हैं उनके लिए भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम हो गई, बीच में ज्यादा है, देखो एक बार फिर से मैं क्या कहना चाहता हूं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है लाइट न्यूक्लियाई के लिए जिनका मास नंबर कम है, जैसे हाइड्रोजन हीलियम, ठीक,
फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ती है मास नंबर के साथ, और ज़्यादा मास नंबर के लिए जो हैवी न्यूक्लियस है, जिनका मास नंबर ज़्यादा है, हैवी न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम, उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है। तो लाइट न्यूक्लियाई के लिए और हैवी न्यूक्लियाई के लिए, हल्के न्यूक्लियाई के लिए जिनका मास नंबर कम है और हैवी न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर ज़्यादा है, दोनों के लिए EBN कम है। ठीक, बीच में ज़्यादा है, लेकिन लाइट के लिए, हैवी के लिए EBN कम है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है। अगर EBN कम है तो उनकी स्टेबिलिटी भी कम है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम, उनकी स्टेबिलिटी भी कम। ठीक, अब ध्यान देना, नहीं है इस समय, लेकिन फिर भी लाइट न्यूक्लियाई, इनका EBN कम है, कोई भी चीज़ है वो अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहती है, वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है। तो जो लाइट न्यूक्लियाई है, लाइट न्यूक्लियाई जैसे हाइड्रोजन, वो भी स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, वो भी स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल होने के लिए उनको अपनी EBN बढ़ानी है। समझो, लाइट न्यूक्लियाई इनका EBN कम है, हर कोई स्टेबल होना चाहता है, स्टेबल होने के लिए अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, क्योंकि जिसकी EBN ज़्यादा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल, जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज़्यादा वो न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा स्टेबल। तो हाइड्रोजन का EBN कम है, वो अपना EBN बढ़ाना चाहता है स्टेबल होने के लिए। अगर हाइड्रोजन को अपना EBN बढ़ाना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन को अपना EBN बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो हाइड्रोजन दूसरे छोटे न्यूक्लियाई के साथ न्यूक्लियर रिएक्शन करता है, कंबाइन होता है, क्योंकि दो छोटे छोटे कंबाइन हो गए तो मास नंबर बढ़ जाएगा, मास नंबर बढ़ जाएगा तो EBN ज़्यादा है, ज़्यादा मास नंबर के लिए EBN ज़्यादा है। नहीं समझे? एक बार फिर से, जो लाइट न्यूक्लियाई हैं जिनका मास नंबर कम है, उनके लिए EBN कम है। अब हर कोई स्टेबल होना चाहता है, तो ये लाइट न्यूक्लियाई अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, मतलब EBN इंक्रीज करना चाहते हैं। तो लाइट न्यूक्लियाई क्या करते हैं? दूसरे लाइट न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन होते हैं, कंबाइन होंगे तो मास नंबर बढ़ जाएगा, मतलब EBN बढ़ जाएगा। इसीलिए लाइट न्यूक्लियाई जो हल्के न्यूक्लियस हैं वो करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इस प्रोसेस को, कंबाइन होने को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। नहीं समझे? एक बार फिर से फाइनल टच देखो, लाइट न्यूक्लियाई के लिए मास नंबर, जो जिनका लाइट न्यूक्लियाई मतलब जिनका मास नंबर कम है, उनके लिए EBN कम है, हर कोई स्टेबल होना चाहता है, तो ये अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, हल्के न्यूक्लियाई अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए अपनी EBN को इंक्रीज करना चाहते हैं। ठीक, तो कैसे EBN को इंक्रीज करेंगे? जब हल्का न्यूक्लियाई दूसरे हल्के के साथ कंबाइन हो जाए, अगर ये कंबाइन हो गए तो मास नंबर बढ़ जाएगा, EBN बढ़ जाएगा। ठीक, और इस कंबाइन होने को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन इसको बाद में डिटेल में पढ़ना है, न्यूक्लियर फ्यूजन को। ठीक, अगर हैवी न्यूक्लियाई की बात करें, हैवी न्यूक्लियाई यहां जैसे यूरेनियम, उसका भी EBN कम है, यहां पे यूरेनियम कहीं आता है, इसका EBN कम है, ये भी अपना EBN बढ़ाना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो हैवी न्यूक्लियाई अगर और हैवी हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, तो यहां नीचे आएगा उसकी, तो EBN और कम हो जाएगी। ठीक, तो जो हैवी न्यूक्लियाई है वो अपना मास नंबर कम करना चाहता है ताकि वो यहां पहुंच जाए इस रेंज में, क्योंकि इस रेंज में अगर आप यहां देखो तो EBN ज्यादा है। तो जो हैवी न्यूक्लियस है उसकी EBN कम है, वो अपनी EBN बढ़ाना चाहता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो कैसे अपनी EBN को बढ़ाएगा? EBN मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, कैसे बढ़ाएगा? जब वो कंबाइन होगा तो इधर की तरफ आ जाएगा और कम हो रही है, मतलब हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट होता है दो लाइट न्यूक्लियाई में। अगर ये दो न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाए, ब्रेक हो जाए हैवी न्यूक्लियस, तो ये यहां पहुंच जाएगा। समझ रहे हो? नहीं समझे? हैवी न्यूक्लियस का EBN कम है, इसको EBN बढ़ाना है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो ये दो लाइट न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाता है, वो दोनों न्यूक्लियाई इस रेंज में आ जाते हैं, तो EBN बढ़ गया। तो इसीलिए हैवी न्यूक्लियाई कर रहा है क्या, ये ब्रेक हो रहा है ना, ये कर रहा है न्यूक्लियर फिजन। ये आएगा आगे डिटेल में, आएगा इस चैप्टर में, इसको डिटेल में आना है अभी। तो एक बार फिर से, लाइट न्यूक्लियाई क्या करते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन EBN बढ़ाने के लिए। हैवी न्यूक्लियाई क्या करते हैं? न्यूक्लियर फिजन EBN बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। समझ आ गया इतना? ठीक, दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है? रिलीज, एनर्जी रिलीज्ड, दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। सीधा सीधा आपको यह ध्यान में रखना है, यह आगे काम आएगा।
जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है और बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रही है, बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज। एक बार फिर से, फ्यूजन क्यों होता है, बाइंडिंग एनर्जी को बढ़ाने के लिए। फ्यूजन क्यों होता है, बाइंडिंग एनर्जी को बढ़ाने के लिए। और जब भी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी रिलीज होती है, क्यों सर, मैं बताता हूं इसको, पहले लिखो। इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन, इन न्यूक्लियर रिएक्शन इफ बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस, अगर बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज्ड। समझ गए इतना। एक बार फिर, लाइट न्यूक्लियाई, हल्के न्यूक्लियाई अपना ईबीएन बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो ज्यादा स्टेबल हो जाएं। तो ईबीएन बढ़ाने के लिए अगर वो और छोटे हो गए तो वो यहां इस रेंज में आ जाएंगे। नहीं, उन्होंने कहा मुझे इस रेंज में जाना है, मास नंबर बढ़ाना है। लाइट न्यूक्लियर चाहते हैं मास नंबर बढ़ाना है ताकि ईबीएन बढ़ जाए, तो मास नंबर बढ़ाने के लिए वो न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं। ठीक, न्यूक्लियर फ्यूजन जब होता है तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई, तो जब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है एनर्जी रिलीज होती है। क्यों, इसको समझा रहा हूं, लेकिन पहले समझो इतना। हैवी न्यूक्लियाई फ्यूजन करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन करने पे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, और जब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है एनर्जी रिलीज होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने से एनर्जी क्यों रिलीज होती है, इसको समझिए। इतना समझ गए, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों में एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई। अब मैं ये समझाना चाहता हूं कि बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने से एनर्जी रिलीज क्यों हुई। समझिए, आपके पास एक न्यूक्लियस है ए, और ये बना न्यूक्लियस बी। न्यूक्लियस ए की बाइंडिंग एनर्जी है सपोज 5 MeV, और न्यूक्लियस बी की है बाइंडिंग एनर्जी सपोज 50 MeV। तो जब ये ए से बी बना, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई 5 से 50। अब मैंने बताया था बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। जब ए बना होगा तो 5 एनर्जी रिलीज हुई होगी, ए की बाइंडिंग एनर्जी है 5, तो 5 एनर्जी रिलीज हुई होगी। जब ये बी बनेगा, जब ये ए से बी बनेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 50। समझ गए, जब बी न्यूक्लियस बनेगा तो 50 एनर्जी रिलीज होगी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी 50 है, तो 50 एनर्जी रिलीज होगी। जब ए बना होगा 5, जब बी बनेगा 50 एनर्जी रिलीज, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है ना ए से बी बनने में, एनर्जी रिलीज हो रही है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी 5 है, इसकी 50 है। तो जितनी बाइंडिंग एनर्जी, मतलब वो बाइंडिंग एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, तो जब बी बनेगा तो 50 एनर्जी रिलीज, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, सीधी सीधी बात, जब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है 5 से 50 हो गई, तो मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। तो फ्यूजन जब होता है बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, मतलब एनर्जी रिलीज होती है दोनों प्रोसेस में, फ्यूजन में और फ्यूजन में। ठीक हो गया, क्लियर हो गया इतना, चलो आगे चलें इसमें। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, न्यूक्लियर फोर्स। ये अब आपके पास नहीं है इस समय के लिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर कर्व फिलहाल इस समय आपके पास नहीं है, तो इसको मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाया ज्यादा। चलो अब लिखो न्यूक्लियर फोर्स, अब आपके पास आएगा न्यूक्लियर फोर्स। चलो न्यूक्लियर फोर्स को समझते हैं। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूट्रल है। ठीक है, अगर एक हैवी न्यूक्लियस की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हैं। अब प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर 10 प्रोटॉन्स हैं या 20 प्रोटॉन्स हैं किसी न्यूक्लियस के अंदर, तो वहां तो रिपल्सिव फोर्स भी बहुत ज्यादा होगा। तो इतना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स होते हुए प्रोटॉन्स के बिटवीन, वो प्रोटॉन एक साथ इतनी छोटी जगह में कैसे रहते हैं, जबकि प्रोटॉन दोनों प्लस हैं, प्रोटॉन प्लस है ना, तो प्लस विल रिपेल ईच अदर, तो सारे प्रोटॉन्स को दूर दूर रहना चाहिए था, वो न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी सी जगह पे कैसे रह सकते हैं। सारे प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर कैसे रहते हैं जबकि प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर ज्यादा प्रोटॉन्स हैं, 10-20 प्रोटॉन्स हैं, तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा, फिर भी वो छोटी सी जगह में कैसे रह सकते हैं। इसका मतलब वहां रिपल्सिव फोर्स के अलावा कोई और फोर्स भी लग रहा है जो उन सबको बांध के रख रहा है। ठीक, समझ गया क्या बोल रहा हूं मैं। एक बार फिर से, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं। प्रोटॉन्स हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स,
अगर वहाँ 10-20 प्रोटॉन्स हैं तो वो सब एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे। फिर भी ये रिपल्सिव फोर्स होते हुए भी प्रोटॉन छोटी सी जगह में रहते हैं, इसका मतलब वहां रिपल्सिव फोर्स के अलावा कोई अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियस के बिटवीन कोई अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। उस समय समझा गया, पहले की बात कर रहा हूं, कि अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, क्योंकि हम उस समय वही जानते थे कि अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन जब कैलकुलेशन की तो पता चला ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक है एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स। अगर वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बिटवीन अट्रैक्टिव फोर्स अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो रिपल्सिव फोर्स उसको डोमिनेट कर रहा है, मतलब न्यूक्लियस को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ, अब फिर से समझो। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल ईच अदर, सारे प्रोटॉन्स एक दूसरे को भगा रहे हैं क्योंकि सब प्लस है। अगर 10-20-30 प्रोटॉन्स है तो रिपल्सिव फोर्स भी ज़्यादा होगा, फिर भी प्रोटॉन्स एक साथ रहते हैं एक छोटी सी जगह में, इसका मतलब वहां पे रिपल्सिव फोर्स से भी स्ट्रांग कोई फोर्स एक्ट कर रहा है जो न्यूक्लियस को बांध के रख रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स हो नहीं सकता था क्योंकि वो वीक है, तो इसका मतलब वहां पे कोई एक नए टाइप का फोर्स एक्ट कर रहा है न्यूक्लियस के बीच में, और वो बहुत ताकतवर फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स से भी ज्यादा वो स्ट्रांग है। तो उस न्यू टाइप के फोर्स को बोला गया न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि वो न्यूक्लियस में लग रहा है तो इसको बोला गया न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, लिखते हैं, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द न्यूक्लियस टुगेदर, जो न्यूक्लियस को एक साथ बांध के रखता है, उस अट्रैक्टिव फोर्स को हमने बोला न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। समझ गए इतना क्या बोल रहा हूं मैं, न्यूक्लियस को एक साथ बांध के रखने वाला फोर्स कौन, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्यों बोला, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर लग रहा है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी, इतना समझ गए ना कहां लगता है न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस के बिटवीन, न्यूक्लियस को, ये न्यूक्लियस को बांध के रखता है। ठीक, फर्स्ट इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, नेचर के पास सबसे ताकतवर फोर्स कोई है तो वो है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर का, समझ रहे हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक है, सेकंड शॉर्ट रेंज फोर्स, इसकी रेंज कम है, बस ये न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है, समझ रहे, शॉर्ट रेंज है, रेंज कम है, न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है बस, न्यूक्लियस के बाहर ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये फोर्स नहीं लगता, शॉर्ट रेंज है, रेंज कम है। ठीक है, रेंज कम है, बस ये न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है, न्यूक्लियस के बिटवीन ही लगता है, उनको बांध के रखता है ये फोर्स। थर्ड इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज इंडिपेंडेंट मीन्स, चार्ज इंडिपेंडेंट मतलब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बिटवीन भी लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बिटवीन भी लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बिटवीन भी लगता है, ये नहीं देखता कि पॉजिटिव चार्ज है या न्यूट्रल है, ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बिटवीन ये फोर्स जितना लगता है उसी मैग्नीट्यूड में न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बिटवीन भी लगता है और प्रोटॉन प्रोटॉन के बिटवीन भी लगता है। सीधी सीधी बात, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बिटवीन जितना न्यूक्लियर फोर्स है उतना ही न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के और प्रोटॉन प्रोटॉन के, सो इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, ये नहीं देखता ये पॉजिटिव चार्ज है या ये न्यूट्रल है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो फिर से क्या है न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द न्यूक्लियस टुगेदर, न्यूक्लियस को एक साथ बांध के रखता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर का, शॉर्ट रेंज है, न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है बस, चार्ज इंडिपेंडेंट, जितना प्रोटॉन प्रोटॉन के बिटवीन लगता है उतना ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन उतना ही न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। ठीक हो गया, समझ आ गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका हमने और एक्सपेरिमेंट्स किए और न्यूक्लियर फोर्स को और स्टडी किया, तो हम ये लेके आए कि इफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बिटवीन डिस्टेंस, न्यूक्लियस समझ रहे हो ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अगर इनके बिटवीन डिस्टेंस, इसको आर नॉट से डिनोट करेंगे, आर, अगर इनके बिटवीन डिस्टेंस 0.8 फर्मी से कम हो जाए,
न्यूक्लियॉन्स के बिटवीन डिस्टेंस 0.r0 से डिनोट करेंगे, न्यूक्लियॉन्स के बिटवीन डिस्टेंस, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बिटवीन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बिटवीन, अगर 0.8 फर्मी, बहुत छोटी डिस्टेंस, 0.8 फर्मी से कम इनके बिटवीन डिस्टेंस हो जाए तो न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव हो जाता है। कैसा हो जाता है? रिपल्सिव। ठीक, मतलब ये हमारे पास दो न्यूक्लियॉन्स हैं, ठीक, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन कुछ भी समझ लो, अगर इनके बिटवीन डिस्टेंस 0.8 फर्मी से कम हो जाए, 0.8 फर्मी बहुत पास आ जाएंगे, 0.8 फर्मी से कम हो जाए तो न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव हो जाता है, मतलब ये इनको रिपेल करने लगता है। ठीक है, अच्छा, एंड इफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इज ग्रेटर देन 0.8 फर्मी, अगर 0.8 फर्मी से ज्यादा डिस्टेंस हो जाए, न्यूक्लियर फोर्स हो जाता है अट्रैक्टिव, इसका नेचर अट्रैक्टिव हो जाता है। ठीक, अगर डिस्टेंस न्यूक्लियॉन्स के बिटवीन 0.8 फर्मी से ज्यादा हो जाए, ज्यादा, तो ये अट्रैक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाए तो ये नेग्लिजिबल है, इतना ऐसा भी नहीं कि भाई बहुत दूर चले गए न्यूक्लियॉन्स फिर भी लग रहा है, तब नेग्लिजिबल ये हो जाता है। तो एक बार फिर से, न्यूक्लियॉन्स के बिटवीन डिस्टेंस 0.8 फर्मी से कम हो जाए तो ये बन जाता है रिपल्सिव, और 0.8 फर्मी से ज्यादा हो जाए तो ये बन जाता है अट्रैक्टिव। ठीक, ये एक स्प्रिंग की तरह इसको समझ लो, भाई स्प्रिंग को दबाओ ऐसे तो वो ऐसे पुल करना चाहती है, स्प्रिंग है ना, उसको दबाओ, स्प्रिंग को दबाओ तो वो ऐसे आपको पुल करना चाहती है, धक्का देना चाहती है, तो न्यूक्लियर फोर्स भी ऐसी है, दबाओ न्यूक्लियॉन्स के बिटवीन डिस्टेंस कम कर दो तो ये रिपल्सिव बन जाता है, और ज़्यादा डिस्टेंस कर दो तो ये अट्रैक्टिव बन जाता है। स्प्रिंग का भी यही है, स्प्रिंग को खींचो तो वो ऐसे कंप्रेस होना चाहती है, और कंप्रेस करो तो वो ऐसे खींचना चाहती है, ऐसा ही कुछ है ना। ठीक है, समझ गए होंगे, चलो ये बात क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, ये डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। तो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व ड्रॉ किया, वो कुछ ऐसा आता है, ऐसे, इसको अभी समझाता हूं। देखो, जब न्यूक्लियॉन्स के बिटवीन डिस्टेंस 0.8 फर्मी के इक्वल होगी तो जो न्यूक्लियॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम हो जाती है, मिनिमम, ये देखा 0.8 फर्मी में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स मिनिमम। ठीक, जब 0.8 फर्मी से ज्यादा डिस्टेंस है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में कम होती जाती है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो गए ना, यहां से नीचे ये ओरिजिन है, पोटेंशियल एनर्जी यहां से नीचे नेगेटिव है, तो जब 0.8 फर्मी से ज्यादा डिस्टेंस है न्यूक्लियॉन्स के बिटवीन तो पोटेंशियल एनर्जी जो नेगेटिव है वो कम होती जाती है। मतलब फोर्स कैसा बन गया, अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो फोर्स कैसा हो गया, फोर्स हो गया अट्रैक्टिव, 0.8 फर्मी से ज्यादा डिस्टेंस है, फोर्स हो गया अट्रैक्टिव। 0.8 फर्मी से डिस्टेंस जब कम होती है, जब बहुत पास आ गए न्यूक्लियॉन्स, 0.8 फर्मी से डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में कम होती जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, यहां से देखिए ऊपर पॉजिटिव हो गई, मतलब फोर्स हो गया रिपल्सिव, फोर्स कैसा हो गया, रिपल्सिव। ठीक है, सीधी सीधी बात, आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है और ये ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियॉन्स के बिटवीन डिस्टेंस अगर 0.8 फर्मी से कम है तो न्यूक्लियर फोर्स है रिपल्सिव, 0.8 फर्मी से ज्यादा है तो न्यूक्लियर फोर्स है अट्रैक्टिव। समझ गए, न्यूक्लियर फोर्स क्या है, न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखता है। ठीक है, बांध के रखता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर का, शॉर्ट रेंज फोर्स है, न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है, बस चार्ज इंडिपेंडेंट है। समझ गए, तो ये क्लियर हुआ। ठीक है, तो इसमें इतना ही, थैंक यू।